मसाला वगैरह ज्यादा होता है, मसाला वाला कम है, जैसे आदमी लोग जैसे डिमांड करेंगे उस टाइप से बन के ओके रेडी हो। दैट्स द नेपाल हिल, तो चलिए आगे चलते हैं अभी। सो करीब दो घंटे के वेट करने के बाद हम लोग का गाड़ी आ गया। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दार्जिलिंग। आज हम लोग गुवाहाटी बैक हो रहे हैं, तो अभी कुछ देर बाद हम निकलेंगे। अभी टाइम हुआ है 5:30, तो हम लोग 6 बजे निकलने वाले हैं। क्रियान भी अभी उठा है, बट वी आर जस्ट गोइंग टू मिस दिस व्यू। ये देखिए अभी बस कांचनजंगा का अभी बस सनराइज होने वाला है यहाँ पर, एंड दिस इज द व्यू विच वी आर रियली गोइंग टू मिस। तो अभी हम लोग निकलेंगे, हम लोग का ट्रेन है 11:30 को, तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। जिसान ने हम लोगों के लिए बढ़िया सा एक ब्रेकफास्ट बनवा के लाया, ये ऑमलेट बनाया, ब्रेड बनाया, देयर इज़ बटर, देयर इज़ जेली, देयर इज़ एग, टी। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके जल्दी जल्दी निकलना होगा हम लोगों को। आज हमारा लास्ट डे है, आज हम लोग का दार्जिलिंग ट्रिप खत्म होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू बैक टू गुवाहाटी। लेकिन जाने से पहले हम आपको जिस होम स्टे पे ठहरे हुए हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं ये व्यू, एंड दिस इज द होम स्टे। ये यहाँ का ओनर है मिस्टर जिसांग। हेलो। हाँ, सो मिस्टर जिसांग आप एक बार दिखा दीजिए आपका ये जो होम स्टे का टूर है, एक बार करवा दीजिए जी। आइए। हाँ, ये जैसे हम लोग का यहाँ पे अंदर में दो रूम है। ओके, एक बार बाहर से देख लेते हैं। चलिए, ये व्यू हम लोग का व्यू का रूम है। अच्छा, चार रूम है। अच्छा, हम लोग का डबल बेड है एक रूम। सो दिस इज डबल बेडरूम। नया है क्या आप लोगों का ये? हाँ, नया ही है, ये जो पेंटेड हुआ है। अच्छा, ये फैमिली रूम है, बड़ा, जो एक साथ रहने चाहते हैं तो यहाँ पे रह सकते। अच्छा, फिर ये सब आपका डबल बेड वाला रूम है। अच्छा, ये सब रूम नहीं। ओके, तो ये सब अभी ऑक्यूपाइड है। ओके, तो अभी हम लोग आपको नहीं दिखा रहे। तो ये हम लोग का जो स्पेशलिटी है वो सबसे तीन स्पेशलिटी है। अच्छा, हो गया लोकेशन, पहले लोकेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फुल दार्जिलिंग का व्यू यहाँ से मिलते हुए आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको टी गार्डन का व्यू भी मिल जाएगा वहाँ पे। आई थिंक वो सब टी गार्डन एरिया है, राइट? ओके, टी गार्डन एरिया है। और सबसे प्लस पॉइंट, सबसे मेजर प्लस पॉइंट जो है, डायरेक्ट कंचनजंगा का व्यू है। अच्छा, तो आप जैसे हमने दिखाया था पहले, दैट्स द व्यू ऑफ द कंचनजंगा, राइट? ओके, तो ये हो गया हम लोग का लोकेशन के बारे में। अच्छा, सेकेंडली आप जैसे खा चुके हैं ऑलरेडी हम लोग का फूड, करेक्ट? वो हम लोग का फूड यहाँ का क्वालिटी जो है, हम लोग होमली बनाते हैं। अच्छा, कोई वैसा मीन्स कॉमर्शियल नहीं है, मसाला वगैरह ज्यादा होता है, मसाला वाला कम है, जैसे आदमी लोग जैसे डिमांड करेंगे उस टाइप से बन के रेडी होता है। ही बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम गुवाहाटी ओनली, तो हमने क्या किया था, आने से पहले इनके साथ 2 महीने पहले कॉन्टेक्ट किया था, तो इन्होंने सब कुछ अरेंज करके दिया। इवन हमारा ट्रेवलिंग वगैरह जो है, सब कुछ इन्होंने ये अरेंज करके देता है, क्योंकि हम लोग का मेरा खुद का भी ट्रेवल एजेंसी है, तो मैं उसको मैनेज करता हूँ। आपको कोई भी अगर गाड़ी वगैरह का कुछ भी चाहिए तो हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने से पूरा पैकेज बना के दे सकते हैं, राइट? सो ये पूरा बढ़िया सा मैनेज करके देगा। एंड भाई साहब का फोन नंबर एंड कॉन्टेक्ट नंबर हम अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, तो अगर आप आना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, और यू मे ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव हिज नंबर। तो फिलहाल तो आज हम निकलते हैं, निकल के अभी हम लोग का ट्रेन है, तो हम बैक टू गुवाहाटी जा रहे हैं। एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अभी करीब आप लोगों का 6:30 हुआ है और हम लोग निकल पड़े एनजेपी एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पर दार्जिलिंग में ट्रैफिक बहुत रहता है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। वैसे कि हम लोग का राजधानी एक्सप्रेस का ट्रेन है, इट्स 11:45, लेकिन हम लोग को जल्दी निकलना होता है, नहीं तो आपका ट्रैफिक में फंसने का हैवी चांसेस है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहां पर। तो ऑन द वे में हमको एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट मिला है, वो जो भाई साहब है
हम लोग गाड़ी में आए हैं तो उन्होंने बोला कि यहाँ से नेपाल का पहाड़ भी दिखते हैं एंड प्लस कांचनजंगा भी दिखते हैं। तो मेरे पीछे पूरा व्यू दिखेगा आपको दार्जिलिंग के, हम दिखाते हैं एक बार। वो वहाँ पर एकदम छोटा सा करके कांचनजंगा दिख रहा है यहाँ से, एंड ये नीचे पूरा दार्जिलिंग का एरिया है। एंड लास्ट में अगर देखेंगे दैट्स द नेपाल, वो एकदम एंड में एक तो आपका पहाड़ आता है वो आपका नेपाल का है। तो हम लोग आपका स्टेशन पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए, और हम लगता है हम लोग को और 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। 11:35 को है हमारा ट्रेन, अभी करीब 9 ही बजा है, तो यहाँ पर वेटिंग लॉन में वेट करके फिर हम निकलेंगे। तो हमने एग्जीक्यूटिव फ्लॉट में ले लिया एंट्री, 2 घंटे का 140 चार्ज है। तो यहाँ पर ट्रेन आने तक हम वेट करेंगे अंदर, उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म में ट्रेन आएगा। सो वी विल बी वेटिंग हियर दिस लॉज फॉर अ व्हाइल। यहाँ से हमने एंट्री ले लिया एंड लेफ्ट में जाके आपका एग्जीक्यूटिव लॉज है, तो यहाँ पर हेलो बेटा जंक्शन। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं एंड आपका फैसिलिटी भी अच्छा है, बहुत कुशन वगैरह चेयर वगैरह बहुत खूबसूरत है। तो हमने यहाँ पर लगेज यहाँ पर रख दिया एंड देयर आर सम, अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी लगेज रखने की जगह है। नाहरलागुन आनंद विहार अरुणाचल एक्सप्रेस। सो करीब 2 घंटे के वेट करने के बाद हम लोग का गाड़ी आ गया, हम लोग का बर्थ कोच नंबर है B1, तो आगे मिल जाएगा हम लोग को। नाउ वी आर गेटिंग इन द ट्रेन, हम जा रहे गुवाहाटी घर, बोल दो हेलो, हम लोग जा रहे हैं। क्या है खाने में, क्या है बोल दो, क्या क्या है खाने में? और 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 अचार। सो फ्रेंड्स एट लास्ट घर पहुंच गए। सो दिस वाज द एंड ऑफ द दार्जिलिंग ट्रिप, पूरा एंजॉय कर लिया हमने, इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस, और हमारा बकेट लिस्ट का और एक कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट ट्रिप में क्या होगा और दिखाते हैं आप लोगों को। बाय बाय।